बिना क्रांति के देश और दुनिया में कभी भी शांति की स्थापना नहीं हुई। युद्ध के बाद ही बुद्ध पैदा हुआ। सम्राट अशोक, जिसको हम आदर्श मान करके और उनका जो प्रतीक हम सत्यमेव जयते और जो है जो बुद्ध स्तूप है उसको हम अपना राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं। सम्राट महान अशोक भी युद्ध की ही उपज है, इसलिए युद्ध के बिना कोई शुद्ध होता ही नहीं है। इसलिए युद्धस्व विगतज्वर, युद्ध करना चाहिए, क्रुद्ध होकर के नहीं, बुद्ध और शुद्ध होकर के करना चाहिए। और पाकिस्तान का इसके अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है कि हम बिना युद्ध के, बिना क्रांति के पाकिस्तान को सबक सिखा सके, क्योंकि कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हमारी पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, लेकिन वहाँ के जो सत्तासील लोग हैं वो लोग इतने नादान हैं कि उनको हम बिना अब वार के, प्रहार के समझा नहीं सकते। लेकिन लगातार आंखें दिखा रहा भारत कुछ बड़ा करने वाला है। उधर मोदी जी ने भी कहा है कि अभी आखिरी प्रहार बाकी है। क्या आपको लगता है कि युद्ध की जैसी स्थिति है, इस समय युद्ध होगा? देखिए, वो युद्ध कितना होगा, कैसे होगा, उसका समय क्या होगा, ये तो प्रधानमंत्री जी को तय करना है, क्योंकि वो लोकतंत्र के, इस भारत के सबसे बड़े होदे पर, संवैधानिक पद पर हैं, उनको ये निर्णय लेने हैं। लेकिन अब निर्णय में देरी नहीं होनी चाहिए और निर्णय ऐसा होना चाहिए कि रोज़ रोज़ की शहादत से एक बार का युद्ध, एक बार की आर पार की लड़ाई वो श्रेष्ठ हो। पाकिस्तान के साथ बात करते करते 70 साल हो गए और करीब 50,000 से ज़्यादा भारत के लोगों ने शहादत दे दी है। अब और कितनी शहादत चाहिए? अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है। महबूबा जी लगातार पाकिस्तान की पैरवी कर रही है, महबूबा मुफ्ती परिस्थितियां बनी हुई हैं, जबकि मुख्यमंत्री भी वहां पर, युद्ध जैसी परिस्थिति आ जाना ठीक है या कुछ समय के लिए? देखिए, चुनाव से बड़ा देश है, चुनाव अपनी जगह होते रहेंगे, लेकिन देश के लिए जो मोदी जी को करना है उसको पहले करना चाहिए। क्या कुछ समय के लिए चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए? वो एक अलग विषय है। कश्मीरी छात्र जाना ठीक है या कुछ समय के लिए? देखिए, चुनाव से बड़ा देश है, चुनाव अपनी जगह होते रहेंगे, लेकिन देश के लिए जो मोदी जी को करना है उसको पहले करना चाहिए।